इतने सारे बैग, मेरा बैग कौन सा है इनमें से? तो सुबह से कर क्या रही थी, इतने सारे सामान में मेरा सामान ही नहीं मिल रहा। ओहो, शादी के घर में ना इतनी सारी चीजें होती है कि समझ ही नहीं आता कि इनमें से हमारा सामान कौन सा है। बालों को लेकर बैठे रहो कि कोई हेयर स्टाइल बना दे, डांस करने जाओ तो सॉन्ग समझ में नहीं आते, कभी सेफ्टी पिन नहीं मिलती तो कभी हेयर क्लिप खो जाते हैं, लहंगा पहन लो तो दुपट्टा समझ नहीं आता कैसे स्टाइल करें। तो बस इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज का वीडियो लेकर के आए हैं, क्विक वेडिंग हैक्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब शादियों के घर में इतने सारे लोग आते हैं तो पता नहीं चलता कि किसका बैग कौन सा है, और कभी कभी तो सेम बैग लेके आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने बैग के ऊपर ऐसे किसी भी कपड़े से वो बना लो, आपका बैग देखने में भी स्टाइलिश लगेगा और आपको इजिली मिल भी जाएगा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तैयार होने से पहले। क्या करूं, ये वाली तो अच्छी नहीं लग रही, ये वाली तो जीन्स पे ही जाएगी, ये तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ। एक काम करती हूँ, आपने भी अपनी कोई भी हील बहुत बार पहन लिया ना, तो इस तरह से उसे न्यू लुक दे दो। कोई भी नेट की फैब्रिक लो और पैर पे ऐसे घुमाते हुए एक रिबन बना लो, जैसे शूलेस बांधते हो बिल्कुल वैसे ही बांधना है, और बस फिर अपनी हील्स पहनो और बो को एडजस्ट कर लो। और याद रखना कि जो भी आप हील पहन रहे हो ना वो पंप हो, मतलब आगे से कवर्ड हो, तभी आपके बो का लुक अच्छा आएगा, जैसे कि मेरा आया है, खुद ही देख लो। आप भी चाहते हो कि ऐसे डांस करते टाइम आपका फेस केक ही ना लगे इतनी गर्मी में, तो ये वाला हैक फॉलो करो, जिससे आपके फेस के पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और आपका मेकअप इतना केक ही नहीं दिखेगा। इस हैक के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस बर्फ, पानी और एक बोल लेना है जिसमें आपका फेस इजीली फिट हो जाए। अब बोल के अंदर पानी और बर्फ मिला लो और इस तरह से अपने आप को टॉवल से ढक लो ताकि आप एकदम गीले ना हो जाओ। अब अपने फेस को अंदर डुबा लो, मुझे पता है ठंड तो बहुत लगेगी बट इससे आपके फेस के पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और आपका मेकअप बेस भी बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही 2-3 बार रिपीट करो और अपना रेगुलर तरीके से मेकअप कर लो, जैसे कि सीरम, मॉइस्चराइजर, जो कि हमारी स्किन पे मेकअप से पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके बाद फाउंडेशन, और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। ओए ओए, देख मैडम क्या एकदम मैचिंग लाइनर लगा के आई है अपने कपड़ों से, कितना इतरा इतरा के नाच रही है, बट हमें क्या, छोड़ हम भी कल लगा के आएंगे। कौन सा लगाऊं, ये वाला? नहीं यार, ये मेरी ड्रेस पे ना जाएगा नहीं, ये वाला लगाती हूँ, कलर भी दिखेगा और ये वाला मेरे पे अच्छा लगेगा। हाँ, बड़ा इतरा रही थी ना इसे कलर लाइनर लगा के, मैं भी लगाऊंगी। अभी ये क्या भिंडी बाजार बना रखा है, तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही कलर लाइनर लगा सकती है अपनी ड्रेस से मैचिंग का? मैं भी लेके आई हूँ सारे कलर के लाइनर, अब मैं भी मैचिंग लगाऊंगी। अभी ये लाइनर नहीं लगाया, आई शेडो लगाया है एज अ लाइनर। आई शेडो? आपको भी जानना है मैंने ये कैसे किया, तो टेंशन मत लो, इसके लिए बस आपको चाहिए माइसलार वाटर और लाइनर ब्रश को इसमें डिप करना है, और फिर आई शेडो पिक कर लो अपनी पसंद का और इस तरह से अप्लाई कर लो, और देखो बन गया आपका कलर्ड लाइनर। इसी तरह से आप अपने आउटफिट से मैचिंग किसी भी कलर को चूज करके अपनी पसंद का लाइनर लगा सकते हो, और देखो ये बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है, बस फिर मस्कारा लगा लो और फिर आपका लुक हो गया है कंप्लीट। वाओ, कितनी अच्छी लग रही हो, पहले ये डेकोरेट कर लेती हूँ। हाँ, अरे यार ये दुपट्टा भी ना फिर गिर गया। अबे यार क्या करूं, एक काम करती हूँ, हैक कर लेती हूँ। मिठाई का डब्बा, आ जा। आपका दुपट्टा भी बार बार ना गिरे इस तरह से, तो अपने दुपट्टे को सिक्योर कर लो, वो भी स्टाइलिश वे में। बस आपको दुपट्टे को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर एंड की तरफ से थोड़ी सी प्लीट्स बना लेनी है, और फिर कॉर्नर पे रबर बैंड से इस तरह से टाई कर लो, और फिर इसके बीच के हिस्से को अपने गले में आर पार डाल दो, और कंधे पे कुछ इस तरह से लुक आएगा, और ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है।
आप भी अपने दुपट्टे को स्टाइलिश वे में इस तरह से कैरी कर सकते हो और ये आपको शादी में, डांस में या कोई भी काम करने में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। यार मेरा हेयर स्टाइल बना दे, पहले मैं खुद रेडी हो जाऊं। दीदी मेरा हेयर स्टाइल बना दो ना। अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ। सुन सुन, मेरा हेयर स्टाइल बना पहले, मैं दुल्हन के कपड़े लेके जा रही हूँ। ओए मेरा हेयर स्टाइल बना दे ना। मैं किसी काम का ही नहीं है। देखो अपने जैसा मेरा हेयर स्टाइल बना दे यार, कितना सुंदर बना है। 2 मिनट रुक, बहुत काम है अभी। यार शाम हो गई, बारात भी आने वाली होगी, मेरे बाल इतने बेकार हो रखे हैं, ऐसे जाऊंगी तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं, क्या करूं। शादी वाले घर में सब इतना बिजी रहते हैं कि अपने कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती, तो दूसरों की हेल्प कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए आप ये वाला हेयर स्टाइल बनाओ बिना किसी की हेल्प से। इसके लिए अपने बालों को अच्छे से कॉम करके ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रबड़ से सिक्योर कर लो। अब ऐसे एक एक करके ऐसे अंदर की साइड रोल कर लो। अब इसके बाद ऐसे इजीली ब्रेड बना लो। फिर अपनी ब्रेड को थोड़ा सा लूज कर लो और उसके बाद अपनी चोटी को एंड से पकड़ के अंदर की साइड रोल कर लो और फिर ऐसे जूड़ा बना के क्लिप से सिक्योर कर लो। बन गया ना एफर्टलेसली ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल, वो भी बिना किसी की हेल्प के। अरे ये क्या गाना चल रहा है, मैं भी भांगड़ा बजाता हूँ। अबे ढीले अपनी तरह। अरे यार शादी के फंक्शन में भांगड़ा कौन बजाता है, मेरे को तो पॉलिटिक्स में नाचना है। अरे मेहंदी वाला लगाती हूँ, हटो। मजा नहीं आ रहा इसमें। हल्दी से लेकर रिसेप्शन तक की सबकी ना सॉन्ग की प्लेलिस्ट रेडी होनी चाहिए, जिससे कि ये कंफ्यूजन ही ना हो कि किस गाने पे कैसे नाचे कब नाचे, बस प्लेलिस्ट चलते रहेगा और डांस करते रहो और एंजॉय। बात तो सही बोल रही है तू। अब जब आपके घर में भी किसी की शादी हो तो हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना लो। जैसे मेहंदी के लिए मेहंदी के गाने, हल्दी के लिए हल्दी के गाने और हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग गानों की प्लेलिस्ट तैयार कर लो, ताकि जब डांस करने जाओ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो और फंक्शन में खूब मजा आए। आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको और कैसे हैक्स देखने हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आपको क्या पसंद आ रहा है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करवा लो, जरूर शेयर करो। और बस हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।